खून से इनकलाब आएगा, बोलो तेरे खून से इनकलाब आएगा, खून से इनकलाब आएगा, बोलो तेरे 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 खून से इनकलाब आएगा। चरखा मरते चरखा मरते बोलू तेरे कौन से इंकलाब आएगा, बोलू तेरे कौन तेरे कातिल जिंदा है, बोलू हंसर जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, बोलू हंसर जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, बोलू हंसर जिंदा है। अब आप बोले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। दो टंडोलियाज सानिया टंडोलिया, जिसमें भोलू भाई अब्दुल रहमान खानजादा उस भोलू को शहीद किया गया, उसके अंदर कानून के अहाते में उसको शहीद किया गया, पुलिस की निगरानी में उसको शहीद किया गया, और उल्टा इल्ज़ाम खानजादा बिरादरी पे लगाया गया, लोगों को परेशान किया गया, घरों के पे छापे मारे गए, और चादर और चार दीवारी का उन्होंने कोई ख्याल नहीं रखा, उसको तहफ़ के बजाय उनका काम है लोगों को तहफ़ देना, उन्होंने घरों के अंदर जाके लोगों की बेहरमती की, औरतों की घरों के दरवाजे तोड़े। कि भोलू एक अकेला नहीं था, उसके आज पूरी कौम उसके साथ है, और हर जगह पर उसके एडिटेशन चल रहा है, पूरे सिंध के अंदर उसमें निकले हैं, और इंशाल्लाह ताला जब तक इसको खानजादा बिरादरी भोलू तेरे खून से इंकलाब आएगा, भोलू तेरे खून से इंकलाब आएगा, भोलू तेरे खून से इंकलाब आएगा, और उन कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक हम पूरे सिंध के अंदर एहतियात करते रहेंगे।